आते रहेंगे और आते रहे हैं और फिर आएंगे, लेकिन आप सब उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार हैं कौशल किशोर जी। आप जान लीजिए इनके पिताजी ने भी कितना काम किया, सब लोग काम करते रहे, इनको हमने फिर से यहाँ की जिम्मेवारी दी है। SKP7 न्यूज नालंदा। राजगीर विधानसभा के नानंद गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नानंद गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौशल किशोर यहीं के हैं और उन्हें पता है अपने क्षेत्र के बारे में, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये आप ही के भाई बंधु हैं। मैंने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है हमारा साथ निश्चय, यह यहाँ के जनता जानती है और जो बचा है आपके क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी कौशल किशोर पूरा करेंगे। नीतीश कुमार ने वर्तमान विधायक रवि ज्योति को घेरते हुए कहा कि उन्हें सब पता था कि इस बार उनके जगह पर किसी और को मौका देंगे, मगर वो कहीं और चले गए, मगर इस बार चुनाव के बाद उन्हें जाना पड़ेगा जहाँ वे पैदा हुए हैं। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बात तो इसी चीज के लिए है, तो हमको आते रहेंगे और आते रहे हैं और फिर आएंगे, लेकिन आप सब उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार हैं कौशल किशोर जी। आप जान लीजिए इनके पिताजी ने भी कितना काम किया, सब लोग काम करते रहे, इनको हमने फिर से यहाँ की जिम्मेवारी दी है। आप पिछला बार जो बाहर का था उसको जिम्मेवारी दे दिया, हम लोगों के कहने पर आप लोग जितवा दिए, उसको तो बता दिए थे, आप फिर भाग के कहीं और से लड़ रहा, अब जाने दीजिए ऐसा ऐसा आदमी। अब हमको तो आश्चर्य होता है कैसे कैसे होते हैं। खैर हमको कुछ नहीं कहना है इन सब चीजों पर, लेकिन हम इज्जत और सम्मान तो सबका देते रहे, लेकिन कुछ लोगों के मन में अगर बाएं दाएं जाने का होता तो भाई जाओ बाएं दाएं जाओ, आज इतना जाना अंत में कहीं राजगीर में रह पाओगे, अंत में तो लौट के वहीं जाना है जहां पैदा हुए।